गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ खुशी। सो गाइस, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो अभी सुबह हम लोग जा रहे हैं दौड़ का, गाड़ी हो गई है रेडी और सब लोग भी आ रहे हैं, सब लोग रेडी होके भी आ गए हैं। चलिए विनू भाई के घर पर। तो गाइस हम लोग आ गए हैं विनू भाई के फार्म पे दौड़ का। बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है यहाँ पे, अहमदाबाद सिटी से ज्यादा ठंडी, क्योंकि सुबह जल्दी उठे ना तो नींद आ रही है। और काफी अच्छा दिखाई दे रहा है नजारा, चारों कोर हरा हरा और आंगन में बड़े बड़े पेड़ देखिए। और यहाँ पे देखे हैं मिल को लोग ना फार्म में घूमने के लिए देखे निकले हैं। यहाँ पे देखे टमाटर मैन, यहाँ पे अभी जो खेती है वो टमाटर की है, देखिए कितने ज्यादा लगे हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं ना, देखो पटिया भी नहीं, लाल जहरी छूटे जैसे ये હવે અહીંયા કદર જ નહી હોય, 2 રૂપિયા ભાવ એટલે 5 રૂપિયા કિલો અખરે નાખી કામ તમારે આરું હોય ને અરે કરે ખાવાનું પાણી ભરેલું જ રહેશે કે કેસા હે। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मीठा मीठा है। और यहाँ पे देखिए डांगर का उत्पादन, 20,000 रुपया खर्चो करियो, 80,000 उत्पादन लीटर में लिए, खाली 20,000 रुपया इनमा। ओ बर्फ, ओ शांति शांति, केम छो? ओ गाइस यहाँ पे देखिए ये टमाटर के झुमके लगे हुए हैं, कैसे लटक रहे हैं। ताजा, इतने अब मैंने 2-3 तो खा लिए, अभी सोच रही हूँ और भी। हमारे वहाँ तो टमाटर ऐसे कर्मा कर्मा के आते हैं ना, और यहाँ पे देखिए कितने ताजा फ्रेश टमाटर है। ऐसे फार्म पे रहना घूमना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कच्छ से ना यहाँ का जो वातावरण है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरा हरा है। कच्छ में इतना ज्यादा हरा नहीं है हमारे वहाँ पे, यहाँ पे पानी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है हमारे वहाँ से, तो जो भी डालते हैं ना वो हो जाता है। हे सुकेरा हाजी ले देखिए जिगर ऊपर ले रहे हैं ना वो, इसके नीचे कितने ज्यादा लगे हैं। देखिए चाचू को और हेमिल को, हेमिल खा रहा है मुरमुरे का लड्डू,
एमिल कैसा लग रहा है? एमिल तरीके ने पकाए तो गाइस अभी हम लोग दोपहर के बाद 2:30 बजे आए हैं गणपतपुरा। पास में ही गंपा है 12 किलोमीटर पर। यहाँ पे बहुत ही बड़ा गणपति जी का मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ पे गणपति जी खुद ही प्रकट हुए हैं, है ना। हेलो, तो हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ, आज संडे है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अरे मकड़े ये लेना कच्ची का। पापा हो आले पापा देखे, जैसे हमारे कच्छ में माता ना मढ़ है ना, वैसे ही यहाँ पे ये गणपतपुरा गणपति बापा का मंदिर है। ये पर्चा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु आते हैं भक्त। देखे, सबसे पहले हमें जूते ही दिखाई दिए। वो तो अभी लेने ही थे। नहीं, अभी नहीं देखने वाली हूँ मैं। तुम्हें मसालो जाके तो? हाँ, मस्त है मसालो। मैं पीसियो। हाँ, खड़ो मसालो ले आवे था, मैं पीसियो। ये ले दो। हाँ। मम्मी तू वहाँ लिया है था? खड़ो मसालो अगर पीसवानो। पीसी ना क्या मुझे? भैया तो यहाँ पे देखिए, ये खड़ा मसाला तैयार कर रहे हैं। अगर आप गणपतपुर आ रहा है ना, तो ये जरूर लेना। मम्मी लेके आए हैं, तो मैं मेरा ही अनुभव शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये खड़ा मसाला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ की स्पेशल मूंगफली की खारिश है, ये भी गोबर से बना रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी थोड़ी देर में ही एंटर हो जाएंगे गणपति मंदिर गणपतिपुरा कोट। अभी यहाँ से ही मैं आपको दिखा रही हूँ गणपति मंदिर, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है शूटिंग या तो फोटोज, इसीलिए शायद आप नहीं देख पाएंगे गणपति जी का मुंह, लेकिन दिखा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वस्तिक बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ सीधे हैं, कुछ उल्टे स्वस्तिक है। तो यहाँ पे अगर आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे उल्टा स्वस्तिक बनाकर ले जा सकते हो। उसके बाद जब भी आपकी मनोकामना पूरी होती है, तब आप यहाँ पे आके सीधा स्वस्तिक करके जा सकते हो। देखिए, यहाँ पे ये आंटी बना रहे हैं, अभी देखते हैं ये उल्टा है या सीधा स्वस्तिक है। देखिए, यहाँ पे ये आंटी की मनोकामना हो गई है पूरी, तो यहाँ पे ये सीधा स्वस्तिक बनाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये आंटी अभी उल्टा स्वस्तिक बना रहे हैं, और उनकी जब मनोकामना पूरी हो जाएगी तब ये सीधा बना कर जाएंगे। Thank you.
यहाँ की ना सबसे फेमस जैसे कच्छ की हमारी दाबेली है ना, तो यहाँ की एक चिप्स है वेफर। तो देखिए बहुत सारे स्टॉल है, अलग अलग वैरायटी की वेफर है, तीखी मोड़ी मीठी सब कुछ। देखिए नानी, तो हम गए थे वहाँ से, हम लोग यहाँ आए गणपति बापा मंदिर से। बुटकवानी आपने नाम तो सुना होगा, जो कीर्तिदान घटवी का सॉन्ग है ना उसमें भी ये नाम आता है बुट भवानी। तो हम यहीं पे आए हैं, यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है, शायद घर में ही मंदिर ऐसा लग रहा है ना। बहन खबर है कुछ ले सो। देखिए बाहर से एकदम पुराना लग रहा है, लेकिन अंदर से इनका मंदिर का नया निर्माण हुआ है ऐसा लग रहा है। तो हमने भाई ने बताया उस हिसाब से ये भवानी माँ का मंदिर है, और ये काफी साल पुराना है। ये माता जी यहाँ पे भी प्रकट हुए हैं, और यहाँ पे भी अंदर हम फोन ले के नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है शूटिंग। तो बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ, और दर्शन करने के बाद मैं आपको यहाँ का पूरा इतिहास बताती हूँ। तो गाइस हम लोग दो जगह पे घूम के वापस आ गए हैं फार्म पे। तो अभी यहाँ पे टमाटर ले रहे हैं, खाए ना ना खवाए। तो अभी का देखिए सूरज ढल गया है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है फार्म पे। सुनो आवाजें आओ ना दवा छन टायरी तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं पूरा। अभी शाम का शेड्यूल मैं आपको बता देती हूँ, हमें जाना है नीति दीदी के घर पे रोटला खाने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद। टाटा एमिल।